हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अच्छी जॉब अपडेट आ रही है। आज एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जॉब अपडेट आ रही है, जेपी ग्रुप से अपडेट है। परमानेंट जॉब की वैकेंसी है, बहुत ही रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही बड़ा ग्रुप है। सैलरी ये लोग बहुत अच्छी देते हैं। डिप्लोमा बीई बीटेक हर कोई अप्लाई कर सकता है। डायरेक्ट इंटरव्यू रखा गया है, कोई भी फीस या किसी भी तरह का चार्जेस नहीं है। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, अप्लाई कैसे करना है, सैलरी कितनी होने वाली है, एज लिमिट क्या है, जॉब लोकेशन क्या क्या रहेगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है ए डी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। पहले तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जॉब अपडेट्स लाऊं, तो आप एक बार कमेंट कर देना, तो अब से हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे, प्राइवेट कंपनी के जॉब्स पे भी थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी जो हमारा शाम को गवर्नमेंट जॉब्स का जो जॉब अपडेट आता है 5 बजे, वो वैसे ही आएगा। ये एक अलग से स्पेशल वीडियो बन रहा है क्योंकि ये जॉब काफ़ी अच्छी है और मुझे लगा कि इसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बाकी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबा दीजिए। और इसी के साथ साथ आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते हैं डायरेक्ट जॉब नोटिफिकेशन की तरफ। ये आ रही है जेपी ग्रुप से, बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपने टीवी में जेपी सीमेंट का ऐड देखा है तो ये वही वाली ग्रुप है, ठीक है। वहीं से जॉब नोटिफिकेशन आ रही है सिविल इंजीनियर्स के लिए। अब डायरेक्ट नोटिफिकेशंस पे चलते हैं। तो ये इसकी जॉब नोटिफिकेशन है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, लेकिन प्राइवेट जॉब्स की नोटिफिकेशन ऐसे ही आती है, कुछ बहुत बड़ी नोटिफिकेशन नहीं आती है। अब हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये आ रही है जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड से। ये इन्हीं का फ्लैगशिप है, ठीक है। जय जेपी का फुल फॉर्म भी जय प्रकाश एसोसिएट्स ही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक जनरल नॉलेज है। अब यहाँ से सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आ रही है, बहुत सारी लोकेशंस पे आ रही है। एज़ यू कैन सी, उत्तर प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, जम्मू कश्मीर से है, सिक्किम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बहुत सारी जगह से है, ठीक है। अब पहले हम बात कर लेते हैं, पहले जो वैकेंसी है वो है रोड प्रोजेक्ट के लिए, एक्सप्रेस वे डिवीजन के लिए। इसमें सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत है। डिप्लोमा बीई बीटेक हर कोई अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एज ग्रुप इसमें 40 से 50 ईयर्स रखा गया है, ऑल दो मैंने अपने कॉन्टैक्ट से पता किया है, तो इसमें 1-2 साल एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ़ सीट्स बेसिकली 4 हैं, लेकिन ये कम ज़्यादा हो सकती हैं। प्राइवेट में अक्सर ऐसा चलता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, उससे ज़्यादा ही होता है। अब इसकी लोकेशन रहेगी आपकी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इनका रोड प्रोजेक्ट बन रहा है, उत्तर प्रदेश टू झारखंड एक एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो वहाँ पर इन्हें सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत है। यहाँ से एक वैकेंसी है। और जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो इनका है हाइड्रो पावर सेक्टर, वहाँ से भी सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत आ रही है। तो बेसिकली जो डैम्स होते हैं वहां से इनके पास जरूरत है। अब इसकी लोकेशन क्या होने वाली है, तो पाकल डल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में। बेसिकली ये जो आपका एक डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये आपका डल लेक पे बना है, तो वहां से जॉब लोकेशन, तो वहां से नोटिफिकेशन आ रही सिविल इंजीनियर्स की। और जो दूसरा इनका प्रोजेक्ट है वो है तीस्था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिक्किम। तो दो जगहों से जॉब रिक्रूटमेंट है, एक सिक्किम से और एक जम्मू कश्मीर से। तो अगर आप चाहें तो दोनों ही जगह अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहाड़ी क्षेत्र में काम किया है, काफ़ी अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छी वर्क प्रोफाइल है। डैम वालों को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, स्पेशलाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है किसी भी डैम में काम करने का। अब इसमें आपको क्या क्या आना चाहिए, तो इसमें इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लाइन में एक्सपीरियंस मांग रखा है, अंडरग्राउंड एग्जीक्यूशन यानी कि टनलिंग, और फिर कॉन्क्रीटिंग, डैम कंस्ट्रक्शन, पेनस्टॉक भी एक तरह का टनल ही होता है, मशीन हॉल और एग्जीक्यूशन, इन सब चीज़ों में इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है। अगर सिंपल साइट एग्जीक्यूशन में एक्सपीरियंस है तब भी आप भर सकते हो, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि लगभग सेम ही होती है हर चीज़, ठीक है। और अगर टनलिंग में एक्सपीरियंस है या ब्रिजेस में एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर डैम में है तो बहुत ही अच्छी बात है। और तीसरी जो पोस्ट आ रही है वो है मेंटेनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए। तो ये बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स वालों के लिए है, मैकेनिकल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर ये फाइनेंस वालों के लिए, खैर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, और फिर ये हमारे काम की नहीं है, ये एक बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्टरशिप के लिए वैकेंसी है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव इन कमर्शियल डिपार्टमेंट है, तो हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। बस ये सिविल इंजीनियर्स इन एक्सप्रेस वे डिवीजन, सिविल इंजीनियर इन हाइड्रोस्टैटिक प्रोजेक्ट सेक्टर, यहाँ से वैकेंसी है, और फिर
मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी है, ये तीन जगहों से वैकेंसी आ रही है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें आप लोग डायरेक्ट इनकी या तो मेल आईडी पे अपना सीवी अपलोड कर सकते हो या फिर इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप अपना सीवी अपलोड कर सकते हो। और मैं बता देना चाहता हूँ इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी लास्ट डेट विद इन 10 डेज रखी गई है। आपको ये हमारा एडवर्टाइजमेंट 11 तारीख को आया था, तो 11 से 10 दिन यानी कि 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो 20th अक्टूबर से पहले इसमें आपको अप्लाई कर देना है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इनकी मेल आईडी पे जाके। अब एक बार अप्लाई कैसे करना है तो वो भी समझ लेते हैं। तो एज यू कैन सी अभी हम मौजूद हैं जेपी ग्रुप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर अगर जब आप करियर सेक्शन में जाओगे तो पहले तो आप हैं इनका व्हाट वी ऑफर थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इनके टर्म्स एंड कंडीशन से कि ये लोग क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो एज़ यू कैन सी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, सिकनेस लीव है, ये सब मिल जाएगी आपको। अपनी CTC के भी बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगी, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अब अप्लाई कैसे करना है, तो जब आप जाओगे करियर में, तो जब यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन लिखा है पाकल डल प्रोजेक्ट, जैसे ही आप इसमें अप्लाई करोगे आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम लिखना है। एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहे हो, जैसे एम्प्लॉयमेंट करोगे तो आ जाएगा टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। आप क्योंकि सिविल वाले हो, टेक्निकल वाले हो या मैकेनिकल वाले हो, तब भी आप टेक्निकली वाले हो, तो आप टेक्निकल पे टिक करोगे। जैसे आप टेक्निकल पे करोगे तो आपके सामने ट्रेड्स खुल के आ जाएंगी, जिसमें इंजीनियरिंग है, ट्रेड्समैन है और मेडिकल स्ट्रीम है। खैर ट्रेड्समैन ITI वाले करते हैं, वहाँ पे आपको टिक नहीं करना, आपको सिर्फ इंजीनियरिंग पे ही टिक कर देना है। और जहाँ फ़ोन नंबर का सेक्शन है वहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर लिख देना है, ईमेल आपको अपना जो ईमेल आईडी है, एड्रेस है वो लिख देना है, मैसेज अगर कोई आपका रेफरेंस है तो आप वो एक बार डाल सकते हो, मैसेज उसके लिए होता है बेसिकली, या फिर कोई और डिटेल आप अपने बारे में देना चाहते हो तो आप उसके लिए डाल सकते हो। जो जिनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उनसे स्पेशली बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको अपना बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ें करना, तो आपको यहाँ पे काफ़ी प्रेफरेंस मिलेगी। बेटा प्राइवेट में ऐसे ही चलता है। और जहाँ पे ये लिखा है अपलोड रेज्यूमे, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना यहाँ पे रेज्यूमे अपलोड कर देना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब अगर आपकी CV शॉर्टलिस्टेड होती है तो ये खुद आपको मेल करेंगे। आप मेल में आपका इनविटेशन होगा इंटरव्यू के लिए, जैसा भी आपका इंटरव्यू होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी होगा, फिर आपका इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा। अगर सब ठीक रहता है तो इंटरव्यू फिक्स होने के बाद आपकी जॉब कन्फर्म हो जाएगी। प्राइवेट जॉब्स ऐसे ही चलती हैं, कुछ बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता है, ठीक है, और ये एकदम जस्टिफाई जॉब होने वाले, किसी तरह का नेपोटिज्म नहीं है। अब अगर बात कर लेते हैं इस जॉब के बारे में कि किसे किसे अप्लाई करना चाहिए, तो पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि हाँ, अगर आपके पास सच में एक्सपीरियंस है बेटा तभी अप्लाई करना, क्योंकि ये सरकारी नौकरी नहीं है। प्राइवेट वाले बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी ताड़ जाते हैं कि आपके पास सच में एक्सपीरियंस है या फिर आप फर्जी एक्सपीरियंस बनवा के आए हो, और फर्जी वाले ना ही अप्लाई करें तो ही अच्छा है। जिनके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस, जो कि लोग जेन्युइन साइट पर काम कर रहे हैं या फिर बेसिकली जो कि रोड प्रोजेक्ट्स पे या इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर टनलिंग में या डैम या ब्रिजेस में काम कर रहे हैं, बस वही अप्लाई करें, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा। वरना कुछ नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट करवा के चले आओगे। बाकी काफ़ी अच्छी प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छी जॉब है, ये लोग सैलरी भी बहुत अच्छी देते हैं, ठीक है। बाकी इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे ही और प्राइवेट जॉब अपडेट्स लाऊँ तो एक बार कमेंट कर देना, तो अब से हम प्राइवेट जॉब अपडेट्स पर भी फोकस किया करेंगे। ये हमारा एक ट्रायल वीडियो है प्राइवेट जॉब्स को लेके, अगर ये चल जाता है, अगर इसका अच्छा फीडबैक आता है तो हम प्राइवेट जॉब से भी ध्यान देंगे, वरना हमारी जो गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स चल रही हैं वो तो हमारी चली रही हैं, वो वैसी चलती रहेगी, उसे कुछ बनवन नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देना। 5 बजे हमारी गवर्नमेंट जॉब अपडेट आ रही है, उसके लिए वेट करना। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।